नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे हिंदुस्तान के शूरवीरों की विजय गाथा और बताएंगे 60 दिनों तक चले ऑपरेशन विजय के बारे में। 3 मई 1999 की वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। बाद 2 दशक पहले हिमाचल की चोटियों पर पाकिस्तान द्वारा रची गई साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत की है। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने घुसपैठिए बनकर आए पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा दिए थे। 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कारगिल में हिंद के शूरवीरों के प्रचंड पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान में कारगिल में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बड़ी साजिश रची थी। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तब MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तान को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा लहराया था। कारगिल युद्ध और भारतीय सेना के साहस से जुड़ी कुछ अहम 11 बातें। ताशी नामग्याल कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में अपने नए याक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान कोशिश करते करते उन्हें अपना याक नजर आ गया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्हें जो नजर आया उसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और भारतीय सेना को तत्काल इस बारे में जानकारी दी। भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्टों पर गई और पता चला कि पाकिस्तानी सेना 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल के करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। पाकिस्तान ने डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक करीब 150 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा था। 25 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान देश को कारगिल में हुई घुसपैठ की जानकारी दी। वहीं 26 मई को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख AY टिपनिस ने एयर स्ट्राइक के आदेश जारी कर दिए। भारतीय वायुसेना के जवानों की ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत हुई। इस बमबारी ने पूरे कारगिल को थर्रा दिया। 1971 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में बना था। 27 मई को ही भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल और पॉइंट 4590 पर जबरदस्त हमला किया। इस बीच नीचे से भारतीय फौज की तोपों ने भी पहाड़ियों पर गोले बरसाना शुरू कर दिया। तोप से निकल रहे गोलों की आड़ में अब भारतीय फौज के जवानों ने पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना ने 9 जून को बटालिक सेक्टर की 2 अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर के तोलोलिंग चोटी पर भी कब्जा कर लिया। 2 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोला और 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना की जाबाजी के प्रतीक के तौर पर तिरंगा फहराने लगा। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास पर भी अपना कब्जा जमा लिया। वहीं 7 जुलाई को भारतीय सेना ने बटालिक की जुबर हिल पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। 11 जुलाई को भारतीय सेना के खौफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए देखा गया और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। 26 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी।
इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत आज भी कारगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही हमारे देश की एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।